गोटेगांव में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सांसद प्रतिनिधि पंकज चौकसे के कार्यालय में अधिवक्ता संघ ने सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में एसडीएम कार्यालय नगर के बाहर निर्माण करने पर जमकर विरोध किया गया। अधिवक्ता संघ ने कहा कि वर्तमान समय में संचालित एसडीएम कार्यालय का स्थानांतरण कर नगर की सीमा से बाहर गोटेगांव खेड़ा में भूमाफियाओं के दबाव एवं पटवारियों की मिलीभगत से स्थल चयन कर वहां बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, जो कि जनहित में अनुचित है, क्योंकि वर्तमान समय में एसडीएम कार्यालय शहरी क्षेत्र में संचालित है, लेकिन उसे अनावश्यक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जा रहा है, जिससे नगरी सीमाओं की उपेक्षा होने के साथ साथ हितग्राहियों व आम नागरिकों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ दबंगों व भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने हेतु किए जा रहे अनैतिक कार्य से नागरिकों एवं अन्य सामाजिक व्यापारिक संगठनों में रोष है, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम कोर्ट जो कि बाईपास गोटेगांव को लेकर के निर्माण लेकर के सब निश्चित रूप से बहुत व्यथित हैं और सारी जनता और सब लोगों को परेशान होना पड़ेगा। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि एक ही कैंपस में जहां पुलिस थाना है, सिविल कोर्ट है, बैंक है, सारी की सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, तो उसी एक ही कैंपस में एसडीओ कोर्ट और तहसील कोर्ट, तहसील संपूर्ण भवन वहीं उसी कैंपस में बनाया जाना चाहिए। अच्छा, यदि कोई जगह की भी दिक्कत होती तो हम मान जाते, वहीं पर या तो उसी बिल्डिंग को डिसमेंटल करा करके या उसके पीछे संजय नुकुंज में आज भी 5 एकड़ से ज़मीन खाली पड़ी हुई है, तो उसको भी अपन ऑक्यूपाई करके एक ही कैंपस में या तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा लें, जिससे कि सारी की पब्लिक को, वकीलों को, मुंशियों को, किसानों को, व्यापारियों को उस बात का लाभ मिल सकेगा, क्योंकि उस तरफ जाने में रेल क्या करेंगे। देखिए, अभी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, बातचीत करेंगे कलेक्टर से, अभी एसडीएम मैडम से बात हुई है, हमने उनको कहा कि अभी रुकिए, एक बार सबसे विचार विमर्श करने के बाद उसका अंतिम निर्णय होगा, जहां सबकी सहमति बनेगी उसी स्थान पर उसका निर्माण होगा। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।